Hi everyone, welcome to Shiksha Alliance. Today we will discuss 5th chapter, Industries of Class 8th NCRT. These are the topics we will cover in this chapter. Secondary activities, industries, classification of industries, classification of industries on the basis of raw materials, classification of industries on the basis of size, classification of industries on the basis of ownership, factors affecting location of industries, industrial system, industrial regions, distribution of major industries, iron and steel industry, cotton textile industry, information technology. First topic है industries. इसमें secondary activities क्या होता है? Secondary activities or manufacturing change raw materials into products of more value to people. जो सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है या फिर मैन्युफैक्चरिंग, वो चेंज कर देती है रॉ मटेरियल्स को प्रोडक्ट्स में और उसकी वैल्यू बढ़ा देती है. एज यू हैव सीन, पल्प वॉज चेंज्ड इनटू पेपर एंड पेपर इनटू अ नोटबुक. दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. जब पल्प से हम पेपर बनाते हैं और पेपर से नोटबुक, तो ये रिप्रेजेंट करता है टू स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ये जो प्रोसेस होती है जिसमें पेपर बनता है पल्प से, क्लॉथ बनता है कॉटन से, तो ये वैल्यू एड कर देता है उनमें, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में. इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज मेड फ्रॉम. और इस वे से क्या होता है कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनते हैं उनकी मोर वैल्यू और यूटिलिटी होती है देन रॉ मटेरियल्स. इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. और इंडस्ट्री क्या रिफर करता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिफर करता है दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. और जो इंडस्ट्री होता है, ये जो सेकेंडरी एक्टिविटी, ये क्या रिफर करता है? प्रोडक्शन गुड्स का, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल माइनिंग इंडस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री अब देखेंगे. इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, साइज एंड ओनरशिप. जो क्लासिफिकेशन होता है इंडस्ट्रीज का, उसको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स के बेस पे, उसके साइज के बेस पे और उसके ओनरशिप के बेस पे. फर्स्ट है रॉ मटेरियल के बेस पे इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन. इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स दे यूज. मतलब जिस जो भी हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, या तो वो एग्रो बेस्ड होगा, मिनरल बेस्ड होगा, मैराइन बेस्ड होगा या फॉरेस्ट बेस्ड होगा, तो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है कि इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन क्या क्या होगा. फर्स्ट जो है वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल्स. तो ये प्लांट्स और एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट को यूज करते हैं एज देयर रॉ मटेरियल. फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स अगर हो गया एंड लेदर इंडस्ट्रीज, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं. सेकेंड है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या होता है? आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल. ये मिनरल ओर्स को यूज करते हैं एज देयर रॉ मटेरियल. आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. और आयरन बनता है आयरन ओर से. तो ये एग्जाम्पल है हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का. फिर है मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज. कौन सी होती है? मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशियंस एज रॉ मटेरियल. तो ये यूज करते हैं प्रोडक्ट्स जो सी से आता है या फिर ओशियंस से. इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जांपल्स. जो इंडस्ट्री प्रोसेसिंग करती है सी फूड का और मैन्युफैक्चर करती है फिश ऑयल, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री फोर्थ है. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री ये यूटिलाइज करती है फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एज रॉ मटेरियल्स.
द इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर. जो इंडस्ट्री एसोसिएटेड है फॉरेस्ट से, पल्प हो गया, पेपर एंड फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स, ये सब हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं. फिर सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज. जो साइज पे डिपेंड करता है, इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड. ये रिफर करता है कि कितना कैपिटल इसमें यूज हुआ है, इन्वेस्ट हुआ है. नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कितने नंबर ऑफ पीपल है जो एम्प्लॉय है इस इंडस्ट्री में. एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, और वॉल्यूम कितना है प्रोडक्शन का. बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इंटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. तो साइज के बेस पे इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया है एज स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल. तो स्मॉल स्केल कौन सी होती है और लार्ज स्केल कौन सी होती है. कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. जो कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होती है वो टाइप होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का. वे आर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई हैंड्स, जहाँ पे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं हैंड बाई हैंड बाय द आर्टिशंस. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये यूज करते हैं लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स. इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हायर रहता है एंड टेक्नोलॉजी भी. सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. जो सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आती है. प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. जो प्रोडक्शन होता है ऑटोमोबाइल्स का एंड हैवी मशीनरी का वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आता है. ओनरशिप के बेस पे क्लासिफिकेशन होता है इंडस्ट्रीज का. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. तो इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इंटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर. फर्स्ट है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. जो कोई इंडस्ट्री को ओन्ड करता है कोई इंडिविजुअल या फिर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, उसको प्राइवेट इंडस्ट्रीज कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. सेकेंड है द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट. तो इसको ऑपरेट एंड ओन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा. थर्ड है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या होता है, आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स. ये ऑपरेट किया जाता है स्टेट और इंडिविजुअल्स के द्वारा और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. फोर्थ है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स. तो इसको ओन किया जाता है प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स जो होते हैं रॉ मटेरियल्स के, वर्कर्स और बोथ. फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री. उसके अगर हमको कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो हमको ये सब फैक्टर्स देखने होंगे कि वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है. फर्स्ट हो गया जैसे कम्युनिकेशन हो गया, वहाँ पे ज़रूरत होगी ट्रांसपोर्ट की, लैंड होना चाहिए, पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, वाटर, ये सब फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को. इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इजिली अवेलेबल. इंडस्ट्रीज वहाँ पे सिचुएटेड होती हैं जहाँ पे ये सब फैक्टर्स या फिर इनमें से कुछ फैक्टर अवेलेबल हो. समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज्ड पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्रीज मे बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज. और समटाइम क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इंसेंटिव सब्सिडाइज्ड पावर दे के या फिर लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके ताकि इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा सके किसी बैकवर्ड एरिया में. इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लेड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो लेड करता है डेवलपमेंट को एंड ग्रोथ को किसी भी टाउन या फिर सिटी के. फिर है इंडस्ट्रियल सिस्टम. एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स. तो इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है, वो करता है उसमें इनपुट्स,
फिर प्रोसेस एंड देन आउटपुट. इंडस्ट्रियल रीजन्स. इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस. जो इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं इमर्ज करते हैं व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेटेड होती है उसके आसपास एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस, और वो एक दूसरे के बेनिफिट्स को यूज करती हो. मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर, तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है वर्ल्ड के वो है कहाँ कहाँ पे, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया में. मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज. जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं वो लोकेट होते हैं टेम्परेट एरियाज में, नियर सी पोर्ट्स एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स के आसपास. India has several industrial regions like Mumbai, Pune cluster, Bangalore, Tamil Nadu region, Hooghly region, Ahmedabad, Baroda region, Chota Nagpur industrial belt and the Kollam, Thiruvananthapuram industrial cluster. Facts. Emerging industries are also known as sunrise industries. जो emerging industries होती है उनको sunrise industries भी कहा जाता है. Smelting क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स. ये प्रोसेस होती है जिसमें मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके ओर्स से बाई हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट, उनको हीट करके बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट. वर्ल्ड्स इंडस्ट्रियल रीजन्स, ये वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है मेजर इंडस्ट्रीज का. द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. जो वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज है वो आयरन एंड ओल इंडस्ट्री सॉरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज. द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री, जिनको सनराइज इंडस्ट्रीज भी कहा जाएगा. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वो ओल्डर इंडस्ट्रीज है वर्ल्ड की, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इमर्जिंग इंडस्ट्री है. द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर जर्मनी, USA, चाइना, जापान एंड ताइवान. जो कंट्रीज हैं जहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है वो जर्मनी, USA, चाइना, जापान एंड ताइवान है. द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज आर द सिलिकन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया. जो मेजर हब्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के वो सिलिकन वैली है सेंट्रल कैलिफोर्निया की और बेंगलोर रीजन इंडिया का. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइजेज वेरियस इनपुट्स प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स. जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो भी कंप्राइज करती है वेरियस इनपुट्स को, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स को. दिस इज अ फीडर इंडस्ट्री, इसको फीडर इंडस्ट्री भी कहा जाता है. वूज प्रोडक्ट्स आर यूज एज रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल यूज होता है अदर इंडस्ट्री में. जो इसका प्रोडक्ट है वो यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल अदर इंडस्ट्रीज में. The inputs for the industry include raw materials such as iron ore, coal and limestone along with labor, capital, site and other infrastructure. जो inputs होते हैं industry के लिए include करते हैं raw materials such as iron ore हो गया, coal and limestone along with labor, capital, site and other infrastructure. The process of converting iron into आयरन ओर इंटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस. जो प्रोसेस होती है कन्वर्ट करने का आयरन ओर को स्टील में वो इन्वॉल्व करती है मैनी स्टेजेस. द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस. जो रॉ मटेरियल है उसको पुट किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग, और फिर ये अंडरगो स्मेल्टिंग, इट इज देन रिफाइंड, फिर इसको रिफाइन किया जाता है. द आउटपुट ऑब्टेन इज स्टील, और उसके बाद जो आउटपुट होता है वो स्टील होता है. स्टील इज टफ एंड इट कैन ईजिली बी शेप्ड, कट और मेड इन टू वायर्स. जो स्टील होती है वो टफ होती है, इट कैन ईजिली बी शेप्ड, इसको ईजिली शेप किया जा सकता है, कट किया जा सकता है और बनाया जा सकता है वायर्स में भी. स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाई एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स. स्पेशल अलॉयज जो होते हैं स्टील के वो बनाए जाते हैं बाई एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स, जैसे कि एलुमिनियम, निकल, कॉपर अलॉयज गिव
गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, ये प्रोवाइड करता है उसको अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट, ताकि वो उसमें एबिलिटी बन सके, ताकि वो रेजिस्ट कर सके रस्ट से भी. स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. स्टील को कहा जाता है बैकबोन भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज का. ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन इंडिया आर भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर. जो इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं? भिलाई है, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, रौरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन अ रीजन दैट स्प्रेड्स ओवर 4 स्टेट्स, जो कि वेस्ट बंगाल में, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में है. भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, भद्रावती और विजयनगर एरिया में भी कर्नाटका में. विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में. सालेम इन तमिलनाडु आर इम्पॉर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज, जो यूटिलाइज करते हैं लोकल रिसोर्सेज को. जमशेदपुर, बिफोर 1947 देयर वॉज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री. 1947 के बिफोर वहाँ पे सिर्फ मतलब एक ही स्टील प्लांट था कंट्री में, आयरन एंड स्टील प्लांट था कंट्री में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसका नाम था टिस्को. इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड, ये प्राइवेटली ओन्ड था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, इनिशिएटिव लिया, ताकि वो सेवरल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज खोले अलग अलग जगह पे. टिस्को वॉज स्टार्टेड इन 1907 एट साक्ची. जो टिस्को था उसको स्टार्ट किया गया था 1907 एट साक्ची, नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सुबर्णरेखा एंड खारकई इन झारखंड. तो कहाँ पे है ये? झारखंड में टिस्को प्लांट. लेटर ऑन साक्ची वॉज रीनेम्ड एज जमशेदपुर, और बाद में साक्ची को रीनेम कर दिया गया एज जमशेदपुर. ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड्स हैवीली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. और ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स जो इंडियन इंडस्ट्री के हैं वो डिपेंड करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे. पिट्सबर्ग, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. जो पिट्सबर्ग है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशियंट आर्ट. जो वीविंग ऑफ क्लॉथ है वो एक एंशियंट आर्ट है. कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ. और कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स, इन सबको यूज किया जाता है क्लॉथ बनाने के लिए. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन दैम. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है उसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स जो उसमें यूज किए जाते हैं. फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जो फाइबर्स होते हैं वो रॉ मटेरियल होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का. फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैनमेड. जो फाइबर्स होते हैं वो नेचुरल हो सकते हैं और मैनमेड. नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वूल, सिल्क, कॉटन, लाइनन एंड जूट. जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो वूल, वो ऑब्टेन किए जाते हैं वूल से, सिल्क, कॉटन, लाइनन एंड जूट से. मैन मेड फाइबर्स इंक्लूड करते हैं नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक एंड रेयॉन. द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड. जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है वर्ल्ड की. टिल द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द 18th सेंचुरी कॉटन क्लॉथ वॉज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स एंड लूम्स. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तक 18th सेंचुरी के कॉटन क्लॉथ जो थे वो हैंड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स, तो वो बनाए जाते थे हैंड स्पिनिंग टेक्निक से एंड लूम से. इन 18th सेंचुरी पावर लूम्स फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. और 18th सेंचुरी में पावर लूम्स ने फैसिलिटेट किया डेवलपमेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. पहले ब्रिटेन में और फिर बाद में अदर पार्ट्स में वर्ल्ड के. द मुस्लिम्स ऑफ ढाका, चिंचेज ऑफ मसूलीपट्टनम, कैलिकोस ऑफ कैलिकट एंड गोल्ड गोल्ड रॉट कॉटन ऑफ बरहनपुर, सूरत एंड वडोदरा वर्ल्ड नॉन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिजाइन. फैक्ट्स,
द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड एट फोर्ट ग्लोस्टर नियर कोलकाता. जो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल था हमारी कंट्री का वो कहाँ पे सेटअप हुआ? कोलकाता में, एट फोर्ट ग्लोस्टर इन 1818 में. बट इट क्लोज डाउन आफ्टर सम टाइम. लेकिन इसको क्लोज कर दिया गया था कुछ ही समय बाद. द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनिज्म टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई. जो फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनिज्म टेक्सटाइल मिल सेटअप किया गया वो मुंबई में किया गया था 1854 में. अहमदाबाद, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात. ये लोकेटेड है गुजरात में, ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर. साबरमती रिवर के बैंक्स पे द फर्स्ट मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1859. और यहाँ पे फर्स्ट मिल एस्टेब्लिश किया गया था 1859 में. इट सून बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया. और ये बन गई सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी इंडिया की आफ्टर मुंबई. मुंबई के बाद अहमदाबाद वॉज देयरफॉर ऑफन रिफर टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. और अहमदाबाद को रिफर किया जाता है एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया. जो अहमदाबाद है वो सिचुएटेड है वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया. ओसाका, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान. ओसाका क्या है? एक सिटी है जापान की, एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जापान का. ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान, जिसको हम मैनचेस्टर ऑफ जापान भी कहते हैं. अब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स इन द स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स करती है स्टोरेज से प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन के. टुडे दिस इंडस्ट्री हैज़ बिकम ग्लोबल. दिस इज़ ड्यू टू अ सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इवेंट्स. और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है आज ये पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, क्योंकि काफ़ी सारी जो टेक्नोलॉजी है या फिर पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुए उसकी वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज एक सनराइज इंडस्ट्री बन गई है. द मेन फैक्टर्स गाइडिंग द लोकेशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर रिसोर्सेज आर रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. जो मेन फैक्टर्स है जो गाइड करते हैं लोकेशन को इंडस्ट्रीज के, वो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी होती है, उसकी कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. द मेजर हब्स ऑफ द आईटी इंडस्ट्री आर द सिलिकॉन वैली. जो मेजर हब्स है आईटी इंडस्ट्री के वो है सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया एंड बेंगलुरु, इंडिया. बेंगलुरु इज लोकेटेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू फ्रॉम वेयर इट गेट्स द नेम सिलिकॉन प्लेट्यू. जो बेंगलुरु है वो लोकेटेड है डेक्कन प्लेट्यू में, जहाँ से इसको अपना नाम मिला, सिलिकॉन प्लेट्यू. द सिटी इज नोन फॉर इट्स माइल्ड क्लाइमेट. जो सिटी है उसको जाना जाता है इसके माइल्ड क्लाइमेट के लिए थ्रू आउट द ईयर. सिलिकॉन वैली इज अ पार्ट ऑफ सेंटा क्लेरा वैली. जो सिलिकॉन वैली है वो पार्ट है सेंटा क्लेरा वैली का. लोकेटेड नेक्स्ट टू द रॉकी माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका. द एरिया हैज़ टेम्परेट क्लाइमेट. जो एरिया है वहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट रहता है, विद द टेम्परेचर सीवरली ड्रॉपिंग बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो सीवरली ड्रॉप रहता है 0 डिग्री सेल्सियस से. Thank you everyone. If you like our video, you may follow us on these platforms and subscribe us on YouTube.